और सबसे पहले बात करेंगे इंटर के छात्रों की, जिनका इंतजार आज खत्म हो सकता है। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 13.5 लाख छात्र हैं वो शामिल हुए थे। इनमें से करीब 7 लाख छात्र और करीब 6.5 लाख छात्राएं शामिल है। परीक्षार्थियों की कॉपी के मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इंतजार का पल खत्म हो जाएगा छात्रों के लिए, इंटर के परीक्षार्थियों के लिए। आज कुछ जानकारी मिली, कब तक रिजल्ट आ सकता है? आज इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें परीक्षार्थी रिजल्ट को देख पाएंगे। बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर इंटर का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इंटर परीक्षा के परिणाम वहां पर परीक्षार्थी देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। इंटर परीक्षा में इस बार करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इंटर का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट भी तैयार कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो भी टॉपर वेरिफिकेशन था उनका काम जो है बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है। और जो रिजल्ट को लेकर यहां पर रातों रात फैसला ले लिया गया है कि रिजल्ट जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने जा रहा है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस बात की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, टॉपर वेरिफिकेशन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने जा रहा है, और फिर से एक बार बिहार बोर्ड सबसे पहले एग्जाम लेने वाला और सबसे पहले रिजल्ट देने वाला बोर्ड बन चुका है। जी हां, आपको बता दी, इतना फास्ट रिजल्ट अब तक बिहार बोर्ड के इतिहास में कभी नहीं आया था, जो रिजल्ट इस बार जारी होने जा रहा है। रिजल्ट के बारे में बता दें कि रिजल्ट जो है वो किसी वक्त यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार कर ली है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 24 घंटे में आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके इंटर रिजल्ट की घोषणा कर सकती है, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन किसी वक्त यहाँ पे पूरी तरीके से संपन्न हो सकता है और अचानक से आपका रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। आपको रिजल्ट देखने के लिए रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। ये तीन चीज आपको संभाल कर रखना है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर किसी कारणवश आपके रिजल्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो सुधार का मौका भी देगी। छात्रों को बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखेंगे। रिजल्ट की घड़ी आ गई है, रिजल्ट का जो इंतजार था आप सभी छात्रों का वो यहाँ पे पूरा होता हुआ। रिजल्ट के लिए तैयार हो जाए सभी छात्र, सभी को शेयर कर दें, और छात्रों में खुशी की लहर, उत्सुकता, जो छात्रों का इंतजार था वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ। इंटर मैट्रिक रिजल्ट 2023 अपने मोबाइल में चेक करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने सेकेंड नंबर पर जो ब्लू कलर का ऐप आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको 5 स्टार और यहाँ पे बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख करके पोस्ट कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट लिखा हुआ आएगा। 12th वाले 12th पे क्लिक करेंगे, 10th वाले 10th पे क्लिक करेंगे। 12th रिजल्ट 2023 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर लिखा हुआ आएगा चेक रिजल्ट नाउ। चेक रिजल्ट नाउ पे आप क्लिक करके आप अपना रिजल्ट जो है वो आसानी से अपने मोबाइल में देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको www.biharhit.in पे आना है। जैसे ही आएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपको नीचे की ओर जाना है जहाँ पे आपको 10th और 12th जो है दोनों का लिंक यहाँ पे दिया गया है कि किस लिंक पे क्लिक करके आप कैसे आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। 10th का लिखे यहाँ पे बताया गया है, और उसके नीचे जाएंगे तो आपको 12th का मिलेगा, और 12th का ही बताया गया है कि आपको रिजल्ट जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे आपको रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है, उसके बाद टोटल डालना है, कैप्चा कोड डालकर अपना रिजल्ट जो है वो आपको क्लिक करना है, जिसका लिंक एक्टिव यहाँ पे लगा दिया गया है, और आपको रिजल्ट का डेट आते ही आराम से आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेट की बात की जाए तो डेट जो है किसी वक्त यहाँ पे 15 से 16 मार्च को भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर का रिजल्ट प्रकाशित कर सकती है। अग्रसर जो है रिजल्ट की ओर बढ़ चुकी है, और रिजल्ट का पूरा काम समाप्त हो चुका है, बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी करती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पे लाइव सभी का चेक किया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना रोल को रोल नंबर कमेंट करें, और सभी के लिए दुआ जरूर करें, मन्नतें जरूर मांगे, क्योंकि सभी का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप दुआ करेंगे तो आपके लिए रब दुआ करेगा, इसीलिए दुआ जरूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर करें, और रिजल्ट के लिए आप सभी को शुभकामना।